नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं रियलमी 6 और रियलमी 7 का स्पेक स्पेस कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि नए रियलमी फ़ोन में क्या अपग्रेड्स किए गए हैं, क्या वास्तव में रियलमी 7 रियलमी 6 का अपग्रेड वर्जन है, क्या वास्तव में ये उसका सक्सेसर कहलाने लायक है। पर आपको बता दूं कि मुझे तो स्पेक्स मालूम ही है। अब यहाँ पे बता दूं कि जब रियलमी 7 के स्पेक्स मैंने कंपेयर किए रियलमी 6 से, तो मेरे मन में कुछ ऐसा ख्याल आया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। क्योंकि यार क्या करें, दोनों ही फोन अच्छे तो हैं, लेकिन रियलमी 7 एक्चुअली में एक सक्सेसर कहलाने लायक मेरे हिसाब से नहीं रहा। क्योंकि भाई ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज ही नहीं है, छोटा सा चेंज करके आपको रियलमी 7 पेश कर दिया गया है। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो आपको बता दूं कि दोनों फोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है और दोनों में 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। पहले मैं आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखा देता हूँ फटाफट से, जल्दी से। ये डिस्प्ले में गए, यहाँ से भी डिस्प्ले में गए, और यहाँ से हम गए स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे, और यहाँ से भी गए स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं या फिर ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अपने आप इसका AI ऑटो सेलेक्ट करेगा कि कहाँ पे 90 हर्ट्ज की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं। अब एक बार अबाउट सेक्शन खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको दोनों का, और स्पेक्स मैं साथ साथ बताता रहूँगा। पर एक काम करते हैं, स्पेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले डिस्प्ले पूरी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि दोनों का डिस्प्ले जो है वो सेम है, दोनों में आप देख सकते हैं कि बड़ा सा पंच होल मिल जाता है, बेजल्स भी ठीक दोनों में दिए गए हैं, बेजल्स नीचे भी हैं, नीचे का हालांकि चिन्ह थोड़ा सा कम है 6.5 इंच वाले रियलमी 7 में एज कम्पेयर टू रियलमी 6, बहुत ही हल्का सा कम है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा कम है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ब्राइटनेस लेवल आप देख लीजिए, दोनों में ब्राइटनेस लेवल एकदम बराबर रखा हुआ है, बट पता नहीं क्यों संभव मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस रियलमी 6 में ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि दोनों फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, 90 हर्ट्ज़ के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन डिस्प्ले पर मिल जाती है। अब पीछे की तरफ रुक करते हैं, तो यहाँ पे एक चेंज है देखने को मिलेगा, कलर हालांकि दोनों का वाइट है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग पैटर्न है, तो यहाँ पे एक आपको एक लाइनिंग मिल जाती है जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा चेंज कर रही है, और साथ साथ जो ये कैमरा का मॉड्यूल है वो भी हल्का सा चेंज कर दिया गया है। पहले इससे पतला सा रेक्टेंगल सॉरी वर्टिकल शेप में था, अब थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप बनाने की कोशिश की गई है, तो थोड़ा सा लुक में चेंज है। हालांकि यहाँ पे आपको ग्लास फिनिश मिलती है, लेकिन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट दिया गया, ग्लॉसी फिनिश है और ये मैट फिनिश दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाइनिंग इफेक्ट ज़्यादा है इसमें शाइनिंग इफेक्ट कम मिलेगा आपको। इसके साथ साथ नीचे की तरफ दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट के साथ 3.5 ऑडियो जैक मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लुक वाइज दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और लुक वाइज क्या स्पेक्स वाइज बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन के बने हैं और स्पेक्स भी ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। आपको बता दूं कि इसमें रियलमी 6 में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G90 चिपसेट, तो इसमें मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G95 चिपसेट। बहुत अंतर नहीं है एक्चुअली, बहुत अंतर नहीं है G90 और G95 में, सच बता दूं मैं आपको, बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस। एक अब अच्छा बात ये करती कंपनी है कि इसका बेस वेरिएंट 6 GB रैम के साथ 64 GB है, और इसका जो बेस वेरिएंट था वो 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज था, तो एक रैम वेरिएंट बढ़ चुका है, आपको बढ़ के रैम वेरिएंट मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें यानी रियलमी 7 में आपको अब 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 30 W चार्जिंग स्पीड। अगर हम रियलमी 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी विद 30 W चार्जिंग स्पीड। तो बैटरी का थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी 7 और रियलमी 6 में। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कैमराज की, तो एग्जैक्टली सेम कैमराज यूज़ किए गए हैं, 64 MP का प्राइमरी सेंसर है, दोनों में 8 MP का वाइड एंगल है, 2 MP का मैक्रो है और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। ये देख लीजिए आप दोनों की सेटिंग, यहाँ पे बस आपको एक चीज़ अच्छी मिल रही है, गूगल लेंस मिल जा रहा है रियलमी 7 में, जो कि रियलमी 6 में नहीं है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो आपको रियलमी 6 में भी मिल जाए, फिलहाल मैंने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है रियलमी 6 का। वीडियोग्राफी में देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी मोड मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है, वो भी सब्जेक्ट टू सॉफ्टवेयर अपडेट है, हो सकता है कि अपडेट के बाद रियलमी 6 में भी आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में फ्रंट कैमरा जो है वो 16 MP का है, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्टडी मोड भी है, पर दिस इज ऑल सॉफ्टवेयर। तो 16 MP का फ्रंट कैमरा दोनों में मिल जाता है, जो कि फिलहाल सेम ही लग रहा है, कुछ मेजर अंतर नहीं है। कंपैरिजन के बाद पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है। G95 चिपसेट है, थोड़ा सा अंतर होगा कैमरा में, बट बहुत अंतर नहीं मिलेगा आपको G90 और G95 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, और यहाँ पे तो कंपनी ने पूरे जज्बात बदल दिए।
क्या बोले, पर एनीवे आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आपकी क्या सोच है रियलमी 6 और 7 के बारे में वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और हमेशा की तरह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।